ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां ड्यूटी टाइम पे शासकीय कर्मचारी का विधायक के साथ रहने पर संयुक्त मोर्चा ने की आपत्ति, और दिखाएंगे मुरादाबाद में कैसे तपती धूप के बीच शरबत का किया गया वितरण। आगे चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश शोभा यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अथर परवेज, जो कि कांग्रेस के वर्तमान विधायक आरिफ मसूद के साथ विगत लगभग 20 से 25 वर्षों से राजनीतिक कार्य कर रहे हैं एवं नगर निगम की जल कार्य शाखा में नियमित कर्मचारी के रूप में पदस्थ हैं, परंतु ये अपने कार्य स्थल पर नियुक्त दिनांक से आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए हैं। उसके उपरांत भी ये शासकीय वेतन एवं समस्त सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। विधायक आरिफ मसूद के हर राजनैतिक मंच का संधारण एवं संचालन अथर परवेज कर रहे हैं एवं केवल हाजिरी रजिस्टर में सप्ताह या माह में एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु जाते हैं एवं केवल हाजिरी रजिस्टर में सप्ताह या माह में एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ज्ञात हो कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति दयनीय है एवं कर्मचारी अधिकारियों को वेतन देने में भी विलम्ब हो जाता है। ऐसी विकराल स्थिति में अथर परवेज जैसे कर्मचारी निगम के लिए सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। एक शासकीय सेवक को किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति या मंच पर जाना अवैधानिक है। उसके उपरांत भी विधायक के राजनीतिक दल का सारा जिम्मा अथर परवेज के कंधों पर है। इस बात की पुष्टि अथर परवेज के मोबाइल नंबरों की जांच की जाए। लेकिन जी प्रचार करना, विधायक के फायदा से साइन करना, सरकार से तनखा लेना और काम कहीं और करना, किसी के पीए बनना, ये एक दार्शनिकीय काम, एक छोटा अपराध है। उसके ऊपर जांच होना चाहिए कि कई सालों से क्यों कर रहे हैं। पिछले 10 साल से तो मैंने खुद उनको विधायक किया था। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शाम। भोपाल से सीनू संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। सियासी दौर में बयानबाजी की होड़ मची हुई है। मध्य प्रदेश के 4 जून को मतगणना होनी है और भारत के कई राज्यों में चुनावी प्रक्रिया का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस की प्रियंका गांधी का एक बयान आया था। उन्होंने हरियाणा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही कहा था और उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों का आरोप थोपे थे। हमें वोट करें, हम आपके साथ हैं। जिस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रियंका गांधी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, जो देशद्रोही लोग हैं उनका कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से सहयोग करती है और ये भारत में चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनकी प्रशंसा पाकिस्तान में हो रही है। हमने किसानों को भगवान माना है। हम किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की राशि दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी 6,000 की राशि देती है। लगभग वर्ष के 12,000 हम किसानों को देते हैं। कांग्रेस ने ज़रूर किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है। जी इसको कन्फ्यूजन हो गया, ये देशद्रोही और जो लोग हैं ऐसी शक्तियों के साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में रहती है और आज आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी भारत में चुनाव लड़ रही लेकिन पाकिस्तान से प्रशंसा होती है। ऐसे लगता है कि जैसे क्रिकेट मैच यहाँ खेल रहे और उनके दर्शक वहाँ बैठे हुए पाकिस्तान में तालियां बजा रहे, इस प्रकार की बात होती है। और आप देखिए, चाहे हमने किसानों के लिए भगवान माना है, बलराम माना है और जिस प्रकार से आज किसानों को हम लगभग 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रतिवर्ष मोदी जी 6,000 रुपये दे रहे हैं और हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी 6,000 रुपये और देती है, ऐसे हर वर्ष 12,000 रुपये देते हैं और अनेक योजनाओं का लाभ किसानों को मिलता है और किसानों की हमने पूजन की है। और ये बताएं, नीम कोटेड यूरिया ये चाहते तो ये पहले भी कर सकते थे, ये कर नहीं पाए। नीम कोटेड यूरिया हमने उसको नीम कोटिंग की जिससे उसका कालाबाजारी रुकी, उद्योगों के अंदर जाना उसका दुरुपयोग होना रुका, ब्लैक मार्केटिंग रुकी। ये कांग्रेस सोती रही कुंभकर्णी नींद में और कांग्रेस ने जरूर किसानों के साथ अन्याय किया है। और जिस प्रकार से आप देखिएगा कि जो हमने किसानों के लिए अच्छे कानून भी बनाए थे लेकिन उस समय भी ग्रेटा थनबर्ग की बात आए या मियां खलीफा जैसे जो पोर्न स्टार हैं वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे, तो आप सोचिए कांग्रेस का नेक्सस कहां तक जाता है और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से कांग्रेस को समर्थन मिलता रहता है। आप भारत विरोधी नीतियों को कांग्रेस ये हम कहते हैं हमेशा, तो कांग्रेस के समर्थक देश के बाहर बैठे हुए हैं और वो तालियां बजा रहे हैं। जिस प्रकार से अनेक विषयों पे आगे भी उनका ये भाव निकल के आ रहा है, तो प्रियंका वाड्रा जी जरा अपना ज्ञान समुन्नत कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है, मोदी जी वही हैं जिन्होंने, आपने तो पूरे 10 साल में यूपीए की सरकार में मात्र
5-6 लाख करोड़ मतलब 6 लाख करोड़ के आसपास का समर्थन मूल्य पे अनाज खरीदा था, लेकिन हमने 20 लाख करोड़ से ज्यादा का समर्थन मूल्य पे वो अनाज खरीदा है किसानों से, तो किसानों को लाभ पहुंचाने के अनेक प्रकार से काम किए, आपने किसानों को ठगा था। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रत्याशी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भाजपा से प्रत्याशी कंगना रनौत पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर में कंगना रनौत गई हैं, उनका शुद्धिकरण करना होगा, जिसको लेकर भाजपा की प्रदेश सह मीडिया अध्यक्ष ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस का काम है, जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनका अपमान करना। आपने कुछ दिन पहले भी सुना होगा कि किस प्रकार से सुप्रिया श्रीनेत ने जब कंगना रनौत लोकसभा की प्रत्याशी चुनी गई थी मंडी से, तो उनको कहा था कि मंडी की दास एक गलत शब्द का प्रयोग किया था, जिसका प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा अनुचित होता है। भाजपा ने काफ़ी आपत्ति भी जताई थी। कांग्रेस का अपना चाल चरित्र चेहरा जो महिलाओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है वह सामने आया है। देखिए, महिलाओं को टंचमाल कहना, महिलाओं के प्रति असंवेदनशील शब्दों का प्रयोग करना, कि महिलाओं में रस ढूंढना, उनके व्यक्तित्व पे उनके चरित्र का हनन करना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कंगना रनौत जी को जब लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया था मंडी से, तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र की तरफ से अपशब्द का प्रयोग किया गया था, जिसके प्रति भारतीय जनता पार्टी ने घोर आपत्ति भी जताई थी। और अब जो है मंडी से लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के विक्रम जी ने जिस तरीके से कहा है कि कंगना जिस जिस मंदिर गई हैं उसका शुद्धिकरण कराना चाहिए, तो कंगना तो राम मंदिर भी गई थी, तो उनकी जो एक मानसिकता है राम मंदिर के प्रति, राम मंदिर का अपमान करना, सनातन धर्म का अपमान करना, ये सामने आता है। और विक्रमादित्य शुद्धिकरण तो बाद में करें, लेकिन पहले ये बताएं कि वो राम मंदिर कब जाएंगे। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित मेटल मास्टर्स मंसूर आलम की तरफ से दिव्यांगजन सेवा समिति के तत्वाधान में मुरादाबाद के नानपुर में एक शरबत कैंप का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने मीठे और ठंडे शरबत से अपनी प्यास बुझाई। हाईवे के किनारे लगे इस कैंप में लोगों ने अपने वाहन रोके और फिर तपती धूप में शरबत का आनंद लिया। इस दौरान समाजसेवी मंसूर आलम द्वारा अपने हाथों से लोगों को शरबत पिलाया गया। मंसूर आलम ने लोगों को शरबत पिलाते हुए कहा, हम सभी का फर्ज बनता है हम इस चिलचिलाती हुई धूप में लोगों की सेवा करें। अपनी हैसियत के हिसाब से भले ही आप बड़ा कैंप ना लगा सकें, एक बाल्टी में ही शरबत बनाकर लोगों को पिलाएं, जिससे उसका पूरा सवाब आपको मिलेगा। इस दौरान इलियास खान, अख्तियार अहमद, शहनवाज इलियास, शाहरुख अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। आज कैंप लगाया गया आपकी तरफ से, क्या मैसेज है? एक शायर ने कहा था कि भूखों के लिए रोटी, बच्चों के लिए पानी, भूखों के लिए रोटी, बच्चों के लिए पानी का मैंने तुझसे चाहा था फूलों को गुलाब। और ये पानी और इस वक्त के हालात में एक ऐसी चीज़ है, जरूरी नहीं कि आप मास्क अभी लगाएं, 2,000-4,000 लोगों को पानी पिलवाएं, आप एक बाल्टी में 2 किलो बर्फ, 1 किलो चीनी डाल के भी पानी तकसीम कर सकते हैं। उसके लिए क्वांटिटी मायने नहीं रखती, आपकी नियत, आपकी सोच मायने रखती है। मेरी आपसे अपील है सबसे कि आप परिंदों के लिए भी पानी का इंतजाम करके रखें, जिस तरह से आपको प्यास लगती है वो बेजुबान है उनको भी प्यास लगती है। भाई, जगह जगह आपने जो है डॉग फूड बूथ लगवाए हैं, जबकि ये विदेशों में होता है, क्या कहाँ से आपके पास ये हुआ है? मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सदियों से जनाब इलियास खान, उनके साहबजादे शहनवाज खान जो सामने मुखातिब हैं, इख्तियार अहमद। हम लोगों का मकसद यही आता है कि हम ऐसा काम करें कि शायद लोग भी उसकी पहल करें। हमारा मकसद कभी दिखावा नहीं होता है, हमारा मकसद खामोश फी सबीलिल्लाह होता है, और मंशा ये होती है कि अल्लाह राजी हो जाए। इसमें किसी को दिखाना कुछ नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पाना है, हमें सिर्फ देना है। और हमारा अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम उसमें हमेशा कामयाब रहते हैं, कि हम किसी भी तरह से हम उन लोगों के काम आना चाहते हैं जो मुस्तहिक। 15-20 साल से दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं, अब देखा जा रहा है कि पक्षियों और परिंदों के लिए भी आप काम कर रहे हैं, लोगों से अपील करते हुए देखे जाते हैं। परिंदों के लिए ऐसा है कि मेरे रसूल की हदीस है कि परिंदा आपका दाना खाने से पहले दुआ करता है आपके लिए, तो बहुत मुस्तहिक है क्योंकि उसकी जुबान नहीं है। लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे आप? फिर वही अपील करूंगा कि इस वक्त सख्त गर्मी है, अपने यहाँ मट्टी का कोई भी बर्तन रख के जो उतरा हो जिसमें परिंदा पानी पी सके,
इवन जो आपके घर के पास गाय आती है या जो कुत्ते आते हैं, आप उनके लिए भी अगर हो सके तो पानी तो कर लें, लेकिन बचा हुआ खाना भी आप खिला सकते हैं उनको। यही मेरी अपील है आप सब लोग। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के बड़गांव पंचायत के करेला में बूढ़ी गंडक बांध चौक पर 11 दिवसीय श्री श्री 1008 महारुद्र यज्ञ की शुरुआत सर्व मनोकामना हनुमान मंदिर में शुक्रवार को कलश स्थापना से की गई। इससे पहले यहां 2100 कन्याओं का जत्था गाजे बाजे के साथ बूढ़ी गंडक नदी के पिलखी पुल घाट पर पहुंची, जहां से जलपूजी करने के बाद कलश लेकर वापस यज्ञ स्थल पहुंची। यज्ञ स्थल पर पूजा आचार्य मनीष शास्त्री ने यजमान अवधेश पासवान के साथ पूजन के बाद कलश स्थापना कराई। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यज्ञ की शुरुआत पीआर थाना के अध्यक्ष पंकज यादव के द्वारा फीता काटकर की गई। यज्ञ आयोजनों ने बताया कि ये महारुद्र यज्ञ 24 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगा। इस दौरान अजय कुमार चौधरी, अवधेश पासवान, मृत्युंजय सहनी, लाल बिहारी सहनी, शंभू सहनी, विनोद सहनी आदि लोग मौजूद थे। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता ने तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, वह आज महंगाई का मां नहीं बोलते हैं लेकिन मन से जरूर उछलते हैं। मोदी राम जरूर बोलते हैं लेकिन मोदी बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं बोलते। और क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रवक्ता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मोदी जी बस बेरोजगारी नहीं बोलते हैं बल्कि बस बकवास करते रहते हैं, फिजूल की बातें करते हैं। मोदी जी माँ से मुसलमान हिंदू का मुद्दा छेड़ते हैं लेकिन माँ से महंगाई की बात नहीं करते हैं। ये दिखा रहा है कि मोदी जी भटक चुके हैं और मोदी जी 10 सालों की अपनी उपलब्धियों पर वोट नहीं मांग रहे हैं बल्कि आने वाले समय की जबरदस्ती का एक झूठा काल्पनिक डर मतदाताओं में फैलाकर वोट मांगना चाहते हैं, जो कि मैं समझता हूं चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं लेगा, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। बबुआ प्रखंड क्षेत्र के महुआरी गाँव में शुक्रवार को 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारम्भ हुआ। शुरुआती मैच भभुआ प्रखंड के रुद्रवार एवं भगवानपुर प्रखंड के नौगढ़ के बीच खेला गया। टॉस जीतकर रुद्रवार की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। देर शाम तक चले इस मैच में खबर लिखे जाने तक रुद्रवार की टीम ने निर्धारित 10 ओवर में 3 विकेट खोकर 93 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद जिला पार्षद भभुआ विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल द्वारा फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। मैच का शुभारंभ जिला पार्षद द्वारा टॉस उछालकर व दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद बॉल को हिट कर किया गया। मौके पर जिला पार्षद ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन सराहनीय है। मेरी सोच है कि क्षेत्र के हर पंचायत के गाँव में एक खेल का मैदान हो, जिसके लिए उनका प्रयास जारी है। जी हाँ, कैसा उद्घाटन है? ये उद्घाटन भभुआ प्रखंड के महुआरी पंचायत में, ये महुआरी गाँव में ये 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है यहाँ युवा क्लब महुआरी के द्वारा। और आपको बता दें कि आज भगवा प्रखंड के रुद्रवार बनाम भगवानपुर प्रखंड के नौगढ़ की टीम आपस में खेल रही है और ये प्रतिस्पर्धा यहाँ चल रहा है। और मैं दोनों खिलाड़ियों को शुभकामना दिया, आज उद्घाटन करके आया हूँ। यहाँ युवाओं की इच्छा थी और यहाँ हमेशा युवा बढ़ चढ़ के कार्यक्रम कराते रहते हैं समय समय से। महुआरी गांव काफ़ी बड़ा है और यह कार्यक्रम समय समय से होता है, तो मैं युवाओं के हौसला को बढ़ाने के लिए आया हूँ कि गांव गिराव में भी बच्चे आगे आए, खेले खिलाड़ी और अपना करियर बनाए खेलकूद के प्रति। वो लोग जब खेलेंगे तो शारीरिक रूप से भी चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। खेल से भी कई युवाओं का करियर बना है, तो मैं चाहता हूँ कि बेहतर करें युवा। और इस प्रदर्शन में यहाँ के स्थानीय मुखिया जी और तमाम जनप्रतिनिधि, साथ समाज से भी सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, युवाओं का हौसला बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी आपका नाम? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य भगवान। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सोनकच्छ के भौरासा नगर में गढ़ी मंदिर प्रांगण में चल रहे शिव शक्ति महायज्ञ की पूर्ण आहूति एवं भागवत कथा के समापन के पश्चात ढोल नगाड़ों के साथ गढ़ी मंदिर प्रांगण से निकला चल समारोह। बस स्टैंड से होता हुआ
छोटा हनुमान चौक, अन्नपूर्णा मंदिर, माली मंदिर, गणेश मंदिर, बड़ा हनुमान चौक, त्रिमूर्ति चौक से होते हुए छोटा हनुमान चौक बस स्टैंड से सीधे गढ़ी मंदिर प्रांगण में पहुंचा। चल समारोह का जगह जगह पुष्प वर्षा कर नगरवासियों द्वारा स्वागत किया गया। आचार्य दिनेश शास्त्री घोड़ी पर तो 1008 श्री धरानंद सरस्वती महाराज रथ पर सवार थे। क्षेत्र व नगर की सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए भौरासा नगर में 5 कुंडीय श्री शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन 17 मई देव आवाहन से शुरू किया और 23 मई को पूर्णाहुति से संपन्न हुआ। यज्ञ को विधि विधान से सुसंपन्न करवाने के लिए यज्ञाचार्य दिनेश शास्त्री के साथ अन्य सहायक ब्राह्मण जो मंत्रोच्चार से यज्ञ को करवा रहे थे। यज्ञ में 5 जोड़ी सम्मिलित होकर यज्ञ में आहूतियाँ डाल रहे थे। यज्ञ में नगर क्षेत्र से भरपूर सहयोग जनता के द्वारा दिया गया। सोनकच्छ से सीनियर संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।